द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर व उनके चचेरे भाइयों में मारपीट होने का मामला सामने आया है। ये घटना गत दिन टकोली मेले के दौरान हुई। अचानक उपजे विवाद के कारण दोनों धड़ों में हाथापाई हुई और मारपीट की नौबत तक आ गई। पुलिस ने दोनों गुटों की शिकायत दर्ज कर ली है, जिसमें विधायक के साथ बदतमीजी व मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज करके विधायक जवाहर ठाकुर के चाचा को पूछताछ के लिए थाने में तलब किया था। इस मामले में क्षेत्र में खासी चर्चा है। उधर जवाहर ठाकुर के चचेरे भाई ललित ठाकुर ने मंडी में एक पत्रकार वार्ता कर विधायक जवाहर ठाकुर पर उनके साथ अकारण मारपीट करने का आरोप जड़ा। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी सवाल या निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक व उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेले के दौरान अचानक उनके साथ झगड़ा किया और मारपीट की। उन्होंने कहा कि वहां से बड़ी मुश्किल से वे जान बचाकर भागे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पुलिस के पास है, मगर पुलिस सत्ता के दबाव में आकर उनकी शिकायत को अनदेखा कर रही है और इसके विपरीत उन्हीं के ऊपर मामला दर्ज करके उनके पिता को थाना तलब किया गया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए ललित कुमार ने कहा कि टकोली मेला एक बहुत ही प्राचीन मेला है और मेले के दौरान देव लक्ष्मी नारायण व शेषनाग के बैठने के लिए मेले के दौरान स्थान चिन्हित करने को लेकर देवता के कारदार में विवाद हो गया। उसी समय वहां विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंच गया और उनसे हाथापाई और मारपीट करना शुरू कर दी। देवता लक्ष्मी नारायण जी के मिलन और बैठने के स्थान के पीछे कुछ विवाद चल रहा था, जिस चीज को हम सॉल्व कर रहे थे, मतलब दोनों पक्ष मिलके उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस चीज के लिए दोनों पक्ष एग्री भी हो गए थे, राजी हो गए थे। पर जब वराग देवता जी हमारे कुलदेवता जी मेला ग्राउंड में पहुंचे, तो वहां पर जैसे पहुंचे तो वहां पर माननीय विधायक भी आ गए। तो उन्होंने पता नहीं क्या किया वहां पर, वो हमारे देवता जी के वृषम गुरु डोलेराम जी वहां पर देवता जी के साथ हैं, तो उनके साथ वो उलझ गए। उलझते उलझते धक्का मुक्की शुरू कर दी, एक पीछे से जोर का हाथ से मारा भी। तो गुर के बचाव करने के लिए मैं वहां पहुंचा, फिर मैंने गुर को थोड़ा साइड किया, उनको भी थोड़ा साइड करने लगा कि ये क्या कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे। तो इस ऐसे बीच में तो विधायक द्वारा मुझे भी मारा गया। पीछे से पता नहीं कौन थे, उनके एक उनका बेटा भी था, लाज गुस्से माना शुरू कर दिया। हमने तो वहां से बस भागने की कोशिश की, जैसे कैसे वहां से निकल जाए, क्योंकि विधायक के साथ बहुत लोग थे वहां पे। मतलब हमको मतलब कहीं ना कहीं किसी तरीके से धमकियां मिलती रहती है, हमारा तो जीना हराम कर दिया है, हम ना कहीं जा सकते, कुछ हमें डर लगता है कि यार कहीं गए हो कहीं पता क्या हमारे पे अटैक ना कर दे, क्योंकि विधायक सत्ता है, सरकार में है, अब हम कंप्लेंट करें तो कहां करें। तो ऐसा है हमारे विधायक जी का रवैया चल रहा है। पुलिस से हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस हमारे साथ न्याय करेगी। इस जो मामला चल रहा है इसको अच्छी तरह से छानबीन करके, अगर फिर भी कुछ राजनीतिक वो प्रेशर दबाव रहता है, तो उसके लिए हमारे माननीय न्यायालय है, न्यायालय का रास्ता कटकटाएंगे हम।